हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ ममता। और जैसे कि आपको मालूम है कि मैं आज एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने आई हूँ। सबसे पहले तो मैं आप सबको थैंक्स करना चाहूँगी कि आप लोग मेरी वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, उसे पसंद कर रहे हैं। और इवन ये मुझे कैसे पता लगता है, ये मुझे फ़ीडबैक से पता लगता है। जो आप मुझे फ़ीडबैक देते हैं कमेंट बॉक्स में, जो आप मुझसे इंक्वायरी करते हैं, जो मुझसे कुछ पूछते हैं या अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, उससे मुझे पता लगता है कि आप मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, उन्हें पसंद कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि मैं और अलग अलग वीडियोस बनाऊं, जो कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखते हैं। तो आप सबकी रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंगली आज जो मैं बनाने जा रही हूँ आपके सामने, वो है हेयर फॉल के ऊपर हेयर सीरम। जैसे कि आपको मालूम होगा, मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में भी हेयर सीरम शेयर किए हैं। मैं चाहती हूँ कि मैं बालों के ऊपर, हेयर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हेयर सीरम बनाऊँ, क्योंकि क्या होता है कि गर्ल्स की, लेडीज़ की, वुमेंस की अकॉर्डिंग टू द एज सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हम लोगों के बाल जो होते हैं वो थिन हो जाते हैं। थिन होने के कारण क्या होता है कि गिरने लग जाते हैं अकॉर्डिंग टू द एज, आफ्टर प्रेगनेंसी, या फिर मैं कहूँ कि टेंशन्स के अकॉर्डिंगली। मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे बालों के गिरने का बेसिक रीज़न ये होता है कि हमारी बॉडी में प्रॉपर प्रोटीन्स अवेलेबल नहीं हो पाती, जो कि हम अपने, स्पेशली लेडीज़, जो कि हम अपने खाने पीने के ऊपर इतना ध्यान नहीं देते हैं। तो हमें चाहिए कि हमारी बॉडी में जितनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है उतनी बिल्कुल पूरी हो। हमें दालें ज़्यादा खानी चाहिए, प्रोटीन्स के लिए दालें बहुत अच्छी होती हैं। अगर हम चाहें तो ग्रीन वेजिटेबल्स मैक्सिमम यूज़ करें, ऑयली खाना प्लीज़ अवॉइड कीजिए। आई वुड रिक्वेस्ट गर्ल्स टू अवॉइड ऑयली फूड। लेकिन हाँ, आप कभी कभार खा सकते हैं, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ, बालों के लिए ऑयली खाना इज़ नॉट गुड। जिन चीज़ों में प्रोटीन ज़्यादा हो, एग खा सकते हैं। आप नॉन वेज अगर लेते हैं तो आप नॉन वेज ज़्यादा खा सकते हैं, जो कि हमारी हेल्दी फूड डाइट में अवेलेबल होते हैं, जिससे कि हमारी प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट है हमारी बॉडी में वो पूरी होगी। तो मैं ज़्यादा बातें नहीं करती हूँ। ऑलरेडी हम सब इस परेशानी को झेल रहे होते हैं कि हमारे बाल झड़ रहे हैं, बहुत पतले हो गए हैं। अगर हम कोम करते हैं तो अनगिनत बाल गिर जाते हैं, मुझे कोम करने से डर लगता है। ऐसे बहुत से सवाल हैं जो कि मुझे फीडबैक में मिले हैं कमेंट बॉक्स में, कि इसके ऊपर एक सीरम बनाऊं। तो बहुत इजी सा सीरम है, बहुत जल्दी से बनने वाला है। मैं आपको दिखाऊंगी कि दो या तीन इंग्रेडिएंट्स के साथ में ये सीरम इतना इफ़ेक्टिव है कि अगर आप इसे अपनी डेली रूटीन में यूज़ करेंगे तो आप डेफिनेटली गारंटेड है कि मुझे फीडबैक ज़रूर देंगे, क्योंकि ये इतना इफ़ेक्टिव है कि आप मेरे ना बोलने के बाद भी आप इसे डेफिनेटली शेयर करेंगे ही करेंगे। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ, मैं आपको बता देती हूँ इसमें डालना क्या है। ये बॉटल आप देख रहे हैं, मैंने थोड़ा सा सीरम आप वीडियो के लिए बनाया हुआ है, मैं इसे रेगुलर यूज़ भी करती हूँ। इसमें आपको करना क्या है, आपको सबसे मेन इन्ग्रीडियंट जो है, जो हमारी किचन में स्पेशली बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, वो है अनियन, प्याज। जी हाँ, प्याज को आपको कद्दूकस कर लेना है, ग्राइंड कर लीजिए जैसे मर्जी आप। मुझे उसका जूस चाहिए। आप अगर प्याज को ग्राइंड कर लेते हैं, अगर कद्दूकस कर लेते हैं, तो उसे स्क्वीज़ करके उसका जूस निकाल लीजिए। देखिए, मैंने इस बॉटल में इतना प्याज का जूस है, इतना लिया हुआ है। ये दो से तीन प्याज हैं, बड़े प्याज थे इसलिए हाफ अ बॉटल। उसमें मैंने हाफ स्पून एलोवेरा जेल डाला है, पतंजलि का। मैं मैक्सिमम पतंजलि का ग्रीन वाला एलोवेरा जेल यूज़ कर रही हूँ, येलो वाला नहीं, वो सौंदर्य एलोवेरा जेल है। ग्रीन वाला एलोवेरा जेल मैंने यूज़ किया है। और एक मैंने विटामिन ई का कैप्सूल यूज़ किया है, ग्रीन कलर का आता है, किसी भी केमिस्ट स्टोर पे बहुत इजीली मिल जाता है, जो कि हमारे बालों में शाइन देता है, वो मैंने डाला है इसमें। आप इसे मिक्स कर लीजिए, कोई भी एक स्प्रे बॉटल में डाल लीजिए। जब भी रात को आप सोएंगे, हफ्ते में एक बार आप इसे यूज़ करेंगे, आप अपने बालों में इसे जड़ों में, जो स्कैल्प होता है वहाँ पे आप इसे स्प्रे कर लीजिए। स्प्रे करने के बाद आप इसको 5 से 7 मिनट मैक्सिमम आप इसे हल्के हाथों से मसाज करिए। इससे क्या होगा कि ये स्प्रे आपके बालों की स्कैल्प के अंदर, जो हेड की स्कैल्प है वहाँ पे लग जाएगा, और आपका रात को जो प्रॉपर एक वर्क होता है वो इस सीरम के थ्रू होने लग जाएगा, जिसमें आपके बालों में स्टिमुलेशन स्टार्ट हो जाएगी और आपके बाल गिरने बंद हो जाएंगे।
आप बिलीव करिए, आप इसे रेगुलर रूटीन में आप यूज़ करेंगे हफ्ते में एक बारी, और मॉर्निंग में आप इसे हेड वॉश कर लीजिए, शैम्पू कर लीजिए, उसके बाद आप कंडीशनर अगर यूज़ करते हैं तो वो कर लीजिए, आपके बाल डेफिनेटली गिरने बंद हो जाएंगे। दिस इज़ माई गारंटेड चैलेंज। अगर आप इस होममेड DIY को यूज़ करेंगे, बना के आप इसे यूज़ करेंगे डेफिनेटली, तो आप मुझे प्लीज़ 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 कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि इसका कितना रिजल्ट आया। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और मैक्सिमम शेयर कीजिएगा, और जो व्यूअर्स मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे प्लीज़ बताइएगा कि कैसा रिज़ल्ट रहा। थैंक यू सो मच, बाय।